हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ज्ञान चैनल। आज हम बात करेंगे नेट एंड जेआरएफ के लिए लॉ की बेस्ट बुक्स के बारे में। सिलेबस तो वही है जो आपने सारे सब्जेक्ट्स एलएलबी और एलएलएम में पढ़े हैं, बस दो चार सब्जेक्ट्स नए हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आपने एलएलबी और एलएलएम में चूज ना किए हों। अब बात करते हैं नेट और जेआरएफ का सिलेबस। सिलेबस को 10 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें जूरिसप्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आईएचएल, लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कॉम्पिटिशन लॉ, कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और एलएलपी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ, फैमिली लॉ में मुस्लिम और हिंदू लॉ, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस पूछा जाता है। अगर आपके पास पहले से इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी की भी कोई भी बुक या मटेरियल है तो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपने एलएलबी या एलएलएम में खरीदी होंगी उन्हीं बुक से सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस दिया हुआ है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का। मैं बुक्स बता रही हूँ जो सब्जेक्ट्स की बेस्ट बुक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेट की तैयारी के लिए ही सारी बुक लेनी है, बट हाँ, अगर ये बुक्स काम आती हैं, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी करते हो, लेक्चरशिप या फिर प्रैक्टिस करते हो, तो भी ये बुक्स काम आएंगी। साथ ही बेरेट से भी आपको पढ़ना चाहिए। मैंने यूनिवर्सल के ही बेरेट्स पढ़े हैं। लॉ प्रोफेशन में चाहे लेक्चरर बने, लॉयर बने या जज बने, बेरेट्स तो पढ़ने ही होते हैं सभी को। अब बात करते हैं बुक्स की। आप जूरिसप्रूडेंस के लिए प्रजानपे की बुक लें, ये बहुत ही फेमस और इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप पीएम बख्शी की बुक ले सकते हैं। जब भी आप इस बुक को लो तो लास्ट अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड हो, ये जरूर चेक कर लें। और भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है बट कम प्राइस में और अच्छे कंटेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आप आईपी मैसी की बुक लें। इस बुक में हर टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी बुक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आप एमपी जैन की दूसरी बुक ले सकते हैं। ये बुक अच्छी है बट कॉस्टली बहुत है। इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के लिए एचओ अग्रवाल लें। इस बुक की लैंग्वेज ईजी है और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। क्रिमिनल लॉ के लिए आप पीएसए पिल्ले की बुक बहुत फेमस है, ये ले सकते हैं। इस बुक में कमेंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे से लिखी हैं। इस बुक का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस बुक की लैंग्वेज भी इजी है। इसके अलावा आईपीसी के लिए आप एस एन मिश्रा की बुक भी ले सकते हैं। इस बुक में हर सेक्शन की प्रॉपर कमेंट और एक्सप्लेनेशन दी हुई है केस लॉज के साथ। बस बुक लेते टाइम लेटेस्ट अमेंडमेंट भी इंक्लूड हो, ये जरूर देखें। टॉट्स के लिए बांग्या की बहुत ही फेमस बुक है, साथ ही इजी लैंग्वेज में भी है। इस बुक में आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी मिल जाएगा। कंपटीशन लॉ के लिए डॉक्टर मोहम्मद जफर महफूज की बुक लें। बाकी आपके हिसाब से कोई और अच्छी बुक है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अवतार सिंह की बुक लें। इसी बुक में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी मिल जाएगा। पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए बांग्या की बुक ले सकते हैं। नेगोशिएबल के लिए अवतार सिंह की बुक अच्छी है। कंपनी लॉ के लिए टैक्समैन की बुक बहुत ही फेमस है और अच्छी है, बट कंपनी एक्ट में और उसके रूल्स में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो बेटर है कि आप एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट से जितना आपका नेट का सिलेबस है उतना ही पढ़ें, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट अमेंडमेंट अपडेट्स होती रहती है जो भी एक्ट्स या रूल्स में चेंजेस होते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ के लिए आप पारस दीवान की बुक का नाम तो आपको पता ही होगा, तो वही लें। और मुस्लिम लॉ के लिए सैयद खालिद राशिद की बुक ले, बहुत अच्छी बुक है। एनवायरमेंटल लॉ के लिए आप निष्ठा जायसवाल की बुक लें। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आपने एलएलबी या एलएलएम में नहीं पढ़े क्योंकि वहाँ पे आपको चूज करना था, जैसे एनवायरमेंट नहीं लेते कुछ लोग आईपीआर नहीं लेते हैं और पीआईएल, तो इन सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा उनको समझने के लिए। आईपीआर के लिए आप लेक्सिस नेक्सिस या सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लेक्सिस नेक्सिस की बुक लें। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए वीके आहूजा की बुक ठीक है। इसके अलावा आपको नेट और जेआरएफ के सिलेबस में जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बेरिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉ प्रोफेशन में बेरिक्स पढ़ना आना ही चाहिए। और अगर आपको हर सब्जेक्ट्स की बुक नहीं लेनी बिकॉज बहुत लेंथी और कॉस्टली भी पड़ेगा, तो आप एके जन के 3 वॉल्यूम आते हैं वो ले सकते हो। इसमें थ्योरी के साथ केस लॉज भी दिए होते हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
या फिर पेपर टू के लिए अरिहंत की सिंगल बुक भी ले सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली निकल जाएगा इससे भी। इस बुक में पूरा सिलेबस दिया है, साथ ही प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं। पेपर वन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, तो आप इसके लिए केवीएस मदान की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कंपनी लॉ पढ़ने के लिए एमसीए की वेबसाइट का लिंक और सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आप जब भी कोई बुक लें तो नया एडिशन जरूर चेक करना और लेटेस्ट अमेंडमेंट भी उसमें इंक्लूड हो वो भी जरूर देखना। तो ये थी मेरी तरफ से सभी बुक्स, बेरिक्स और सिंगल बुक की लिस्ट। बाकी आप कुछ बुक्स या कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप तक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।